हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो जैसा कि देख सकते हैं, अभी हम पहले बता चुके हैं कि कलकत्ता से अभी हैं हम आए हैं विक्टोरिया, जो कि विक्टोरिया सामने में देख सकते हैं। और अभी हम लोग बाहर में हैं और विक्टोरिया के अंदर जाने के लिए पहले हम लेते हैं टिकट, और पहले चलते हैं टिकट के काउंटर की तरफ और वहाँ से लेते हैं टिकट, और उसके बाद चलते हैं विक्टोरिया के अंदर और दिखाते हैं विक्टोरिया के अंदर का क्या सीन है वो। तो तब तक के लिए वीडियो में ऐसे ही बने रहें और दिखाते हैं जो कि सामने से है उसको, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में और काफ़ी बेहतर है। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक एंड कमेंट भी करें, क्योंकि कलकत्ता आके शूट कर रहे हैं तो थोड़ा हम लोग को भी इसका होना चाहिए बेनिफिट। तो थोड़ा करें और ज़रूर बताएं कि कहाँ से हैं आप भी, और मिलते हैं कुछ देर में, चलते हैं टिकट काउंटर की ओर और लेते हैं टिकट पहले। ये रहा विक्टोरिया का टिकट, जो कि हम यहाँ पे देते हैं और उसके बाद इंटर करते हैं। यहाँ पे एडवर्ड वेलरेक्स पे लेटर है क्या, जो कि गेट पे बनाया हुआ है विक्टोरिया का सेनापति। हाँ, विक्टोरिया का सेनापति। और इससे पहले यहाँ पे स्टैचू भी हैं गार्डन में, ये टाइटस है, सब पे सबका नाम दिया हुआ है। और हम लोग चलते हैं विक्टोरिया के अंदर, जो कि विक्टोरिया काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। ये केवल पत्थर पे ही इसका कारीगरी किया हुआ है। विक्टोरिया आज बंद है क्योंकि वहाँ पे गेट लगा हुआ है और उस कारण से ही हम लोग को केवल गार्डन का टिकट मिला है। तो ऐसे घूमते हैं बाहर से और दिखाते हैं आप सभी को। विक्टोरिया के जस्ट बगल में है द 42 बिल्डिंग, कलकत्ता का सबसे बड़ा बिल्डिंग। हाँ, तो आज विक्टोरिया बंद है, तो बाहर से ही घुमाते हैं। यहाँ पे लेक भी है और राउंड क्या द 42 है, सामने में विक्टोरिया भी है। तो चलिए विक्टोरिया के पास और कुछ देखते हैं वहाँ पे जाके। ये जो देख सकते हैं सामने से विक्टोरिया, कहाँ जाना है अब इसके बाद घर जाएंगे विक्टोरिया से, ये अपने घर जाएगा, हम वापस अपने घर जाएंगे। इसको कुछ काम आ गया, हाँ काम आ गया इमरजेंसी, इसलिए हमको अभी निकलना है। तो ये लास्ट बाद एक लास्ट द हावड़ा का शूट करेंगे, हावड़ा ब्रिज का, और चलेंगे सीधे घर। तो ये देख सकते हैं विक्टोरिया काफ़ी पास से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतरीन। हम लोग शूट कर रहे हैं और साथ में हम लोग को ये पीछे से शूट कर रहा है शॉर्ट्स थोड़ा। तो चलिए कुछ आगे चल के देखते हैं, आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। हाँ, और लाइक शेयर कमेंट प्रेस सब करें। करीब से काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बेस्ट सीन है यहाँ का। यहाँ पे लगभग लगभग फोटोशूट के लिए भीड़ लगा हुआ है। म्यूजियम बंद है क्या, म्यूजियम बंद है तो हम लोग केवल बाहर ही घूमेंगे, बाहर से होके प्रवेश वापस निकलेंगे। यहाँ पे प्रवेश मना है अभी, लेकिन फिर भी सब ही रहे हैं, तो हम लोग भी चलते हैं ऐसे ही। अभी यहाँ पे गेट बंद है क्या, यहाँ पे रुकने से कोई बेनिफिट है नहीं, हम लोग आगे निकलते हैं क्योंकि इसके अंदर में रेनोवेशन चल रहा है, उसके कारण क्या हो गया है पूछने कि कब खुलता है म्यूजियम। तो पूछने के बाद देखते हैं कि आज या खुलेगा तो रुकना है, क्योंकि 7 बजे से ट्रेन है तो निकलना है हमें का। हाँ, डे को क्लोज रहता है, तो आज है मंडे, तो हम लोग यहाँ पे घूमेंगे नहीं, अब सीधे निकलेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर में पीछे विक्टोरिया है, काफ़ी बड़ा है यहाँ से।
मतलब ये जो है विक्टोरिया का बैक साइड है, साइड से है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। कहाँ पे? हाँ तो वही तो, तो ये विक्टोरिया भी है, रात में काफ़ी बढ़िया लगे। इसके ऊपर में देख सकते हैं, हाँ ये भी पूरा लाइटें लग रही है। यहाँ भी घर में वाटरफॉल हो रहा है, वहाँ पे जाने से कोई बेनिफिट नहीं है, वहाँ जाने से कोई बेनिफिट है नहीं, लेकिन इधर रहने से बेनिफिट है। तो अरे विक्टोरिया अंदर से हम अगली बार करेंगे, जब आएंगे वापस तब तक के लिए आज गार्डन का शूट करते हैं क्या। विक्टोरिया के चारों ओर से लेते हैं, पहले हम लोग उसी के एरिया चलते हैं शूट करने, क्योंकि काफ़ी सारा भीड़ है गार्डन में। दिस इज बैक साइड ऑफ विक्टोरिया की, क्योंकि काफ़ी शानदार है। और अभी जो है इस पे इंडियन फ्लैग है विक्टोरिया के ऊपर में ना, तो मेन गेट शायद इधर है ना, तो इधर से है एंट्री मेन, और वो बैक साइड था, और इधर से भी क्लोज ही है आज। तो चलते हैं आगे क्या, तो आगे चलते हैं और गार्डन घूमते हुए चलते हैं। और सामने में एक बनाया हुआ है वो फेस एंट्री फेस है, जो कि है विक्टोरिया का ही है ना, क्वीन एलिजाबेथ थर्ड, यही 22वें डेथ की है। तो यहाँ से होते हुए हम लोग लेते हैं गार्डन का एक राउंड, और उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। ये जो है इसका एक राउंड लेते हुए निकलेंगे हम। ये जो है द विक्टोरिया का ही है, और ऊपर में देख सकते हैं ये रही, तो ये रही विक्टोरिया, फ्रंट से देख सकते हैं। लाइटिंग कम है तो दिख नहीं रहा सही से, दिखा देते हैं। तो अभी यहाँ से होते हुए हम लोग निकलते हैं आगे, और मिलते हैं कुछ देर में आप सभी से। इधर से काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, तो हम लोग अब चलते हैं वापस निकलते हैं, क्योंकि बैक साइड से गया है और मेन एंट्रेंस से बाहर आते हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं आप सभी से अब नए वीडियो में, जो कि एक नया जगह पे होगा। और देखते हैं कि अगली बार कब कोलकाता है, ताकि आगे का वीडियो हम शूट कर पाएँ। तब तक के लिए जाने से पहले, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और लाइक एंड कमेंट करके बताएं कि विक्टोरिया कैसा रहा व्यू सामने से।